नमस्कार लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है ऑडियो लेक्चर में आज हम बात करेंगे जर्मी बेंथम बेंथम के राजनीतिक विचार की। इंग्लैंड का प्रसिद्ध चिंतक है जिसका जन्म लंदन में 15 फरवरी 1748 में हुआ था बेंथम के विचारधारा का नाम उपयोगितावाद है और उपयोगितावाद सुखवाद पर आधारित है और सुखवाद का केंद्र बिंदु अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होता है बेंथम के द्वारा सर्वप्रथम इंग्लैंड के अमूर्त विचारों का खंडन किया गया जैसे प्राकृतिक अधिकार राज्य के उत्पत्ति का सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत सामान्य इच्छा का विचार ईसाई नैतिकता सेबाइन के द्वारा बेंथम को दार्शनिक आमूलवादी कहा गया बेंथम के द्वारा अपने अध्ययन के दौरान ही डेविड ह्यूम की पुस्तक अ ट्रिटाइज ऑन ह्यूमन नेचर का अध्ययन किया गया और मानव व्यवहार के लिए उपयोगितावादी धारणा के महान मूल्य को समझा प्रिस्टले की पुस्तक एस से ऑन गवर्नमेंट में अधिकतम व्यक्ति अधिकतम सुख वाक्यांश का प्रयोग किया गया था यही उपयोगितावादी चिंतन का मूल आधार बना इंग्लैंड में बेंथम के विचारों का समर्थन ब्रिटिश अर्थशास्त्री रिकार्डो ने भी किया था बेंथम के द्वारा कहा गया है कि मैं मिल का आध्यात्मिक पिता था और मिल रिकार्डो का आध्यात्मिक पिता था इस प्रकार रिकार्डो मेरा आध्यात्मिक पौत्र था एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन जिसका प्रकाशन सत्रह सौ नवासी ईस्वी में हुआ था अ प्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका प्रकाशन सत्रह सौ छिहत्तर ईस्वी में हुआ था अठारह सौ तीस में इनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल कोड नामक एक अन्य पुस्तक का भी प्रकाशन किया गया बेंथम के द्वारा अपनी पुस्तकों में अनेक महत्वपूर्ण अवधारणाओं कानून संप्रभुता न्यायिक प्रक्रिया दंड अधिकार संसदीय शासन और अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक अवधारणाओं पर अपने विचार का प्रतिपादन किया है बेंथम की विचारधारा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान उपयोगितावाद का है परंतु बेंथम उपयोगितावाद का मूल प्रवर्तक नहीं है बल्कि इस विचारधारा के तत्व को ऐतिहासिक काल से ही देखा जा सकता है उपयोगितावाद का मूल बिंदु सुखवाद है जो सर्वप्रथम प्राचीन यूनान में एपी क्यूरियस विचारधारा के अंतर्गत दिखलाई पड़ता है परंतु इसमें सुखवाद का आधार नैतिकता और परोपकार था आधुनिक काल में डेविड ह्यूम को उपयोगितावाद का जन्मदाता कहते हैं हॉब्स के अनुसार दर्शन में भी उपयोगितावाद का तत्व दिखलाई पड़ता है क्योंकि उनके द्वारा कहा गया था कि मनुष्य को सुख में हंसना और दुख में रोना आता है उपयोगितावादी विचारधारा का क्रमबद्ध और व्यवस्थित वर्णन बेंथम के द्वारा ही किया गया इसलिए बेंथम को उपयोगितावाद के पर्यायवाची के रूप में जाना जाता है बेंथम के द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी विचारधारा के तत्वों की बात करें तो इसके कुछ प्रमुख तत्व हैं जो इस प्रकार हैं पहला है सुखवाद बिन्थम के द्वारा सुखवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा गया कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख नामक दो शक्तियों के अधीन रखा है क्योंकि सामान्यतः कोई भी मनुष्य केवल वही काम करना चाहता है जिसको करने से व्यक्ति को अधिकतम सुख प्राप्त हो और वह कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे उसे दुख की प्राप्ति हो बेंथम का सुखवाद बाह्य और इंद्रियों पर आधारित होने के कारण इसे शरीरवादी सुख कहा जाता है बेंथम के द्वारा यह भी कहा गया कि सुखों में अंतर केवल मात्रात्मक होता है न कि गुणात्मक बेंथम के अनुसार सुखों की मात्रा समान होने पर पुष्पिन का खेल और काव्यपाठ बराबर होता है बेंथम के अनुसार सुख और दुख का समाकलन किया जा सकता है इसलिए कहते हैं कि बेंथम एक ऐसा राजनीतिक चिंतक है जो सुख और दुख मापक यंत्र का आविष्कार किया जिसे सुख और दुख समाकलन का विचार भी कहते हैं बेंथम के द्वारा उपयोगितावाद के समर्थन में कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया गया था बेंथम ने सुख दुख समाकलन यंत्र के द्वारा मनुष्य के सुखों में वृद्धि का और दुख के आने का कारण क्या होता है आवश्यक मानता है उपयोगितावाद एक यथार्थवादी दर्शन है जो तत्कालीन इंग्लैंड में प्रचलित पूंजीवाद में सुधार का समर्थन करता है आदर्शवाद के समान यह कल्पना प्रधान दर्शन नहीं है बल्कि उपयोगितावाद की अध्ययन पद्धति आगमनात्मक और वैज्ञानिक है यह अनुभूति मूलक है अर्थात इसके समस्त निष्कर्ष का आधार अनुभव है बेंथम ने सुधार के लिए ही अधिकतम व्यक्ति के अधिकतम सुख का सिद्धांत दिया जिसके द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य का प्रारंभ होता है परंतु आधुनिक राजनीति विज्ञान में लोक कल्याणकारी राज्य की नींव सर्वप्रथम टी एच ग्रीन के द्वारा डाली गई जब उनके द्वारा कहा गया था कि राज्य का कार्य बाधाओं के मार्ग में बाधा डालना है आपको बता दें कि अगर आपकी परीक्षा में विकल्प में टीएच ग्रीन नहीं होगा तब इसका सही उत्तर आपको बेंथम ही लगाना है लोक कल्याणकारी राज्य के श्रेष्ठ प्रवक्ता लास्की को कहा जाता है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि मुझे ब्रेड खाने का कोई अधिकार नहीं अगर मेरा पड़ोसी भूखा है बेंथम का उपयोगितावाद राज्य और समाज के मध्य अंतर स्थापित करता है बेंथम ने कहा है कि राज्य के पास संप्रभुता है जबकि समाज का मूल तत्व नैतिकता होता है संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है यही वह तत्व है जिसके द्वारा राज्य और अन्य संगठनों के मध्य अंतर स्थापित किया जाता है आदर्शवादी विचारक और बहुलवाद के समर्थक चिंतकों के द्वारा राज्य और समाज के मध्य कोई अंतर स्थापित नहीं किया गया था आदर्शवादियों के द्वारा अंतर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वे राज्य को सर्वोच्च संगठन परि स्वीकार करते हैं उपयोगितावाद के द्वारा राज्य और समाज में अंतर न स्थापित करते हुए कहा कि राज्य केवल संगठनों का संगठन मात्र है बेंथम के द्वारा सुख दुख नामक शब्द को पृष्ठले से ग्रहण किया गया सेबाइन के अनुसार बेंथम का विचार सार्वभौमिक अहमवाद का प्रतीक है बेंथम के द्वारा राज्य की प्रकृति को यांत्रिक या मशीन माना गया और कहा गया कि व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है जिसका एकमात्र कार्य अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख में वृद्धि करना है यदि राज्य ने सुख प्रदान किया तो वह ठीक है और यदि सुखों की मात्रा में वह वृद्धि नहीं कर सका तो वह अनावश्यक है बेंथम के द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावाद का विचार पूर्णतया सुखवाद पर केंद्रित है इसलिए अनेक राजनीतिक वैज्ञानिकों के द्वारा बिन्थम के विचार की आलोचना की गई बेंथम के उपयोगितावाद का श्रेष्ठ आलोचक कारलाइल है कार्लाइल के द्वारा बिन्थम को शुकर दर्शन का पहला प्रवक्ता कहा गया विन्थम के सुखवाद में अंतर केवल मात्रा का है इस प्रकार का नहीं यह उचित नहीं होगा क्योंकि गुणवत्ता के आधार पर सुखों का वर्गीकरण निम्न कोटि के सुख और उच्च कोटि के सुख के रूप में किया जा सकता है विंथम की यह सबसे बड़ी भूल मानी जाती है आलोचनाओं के बावजूद भी बेंथम के विचार का महत्व इस बात में है कि उसका ध्यान सर्वप्रथम उन लोगों पर गया जिनका विकास नहीं हुआ था और जो लोग पूंजीवाद के शोषण के शिकार थे क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा योग्यतम के विजय के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के कारण समाज के कमजोर वर्ग और भी अधिक गरीब हो गए थे तब यह आवश्यक हो गया था कि यदि पूंजीवाद के द्वारा अपने चरित्र में संशोधन और परिवर्तन नहीं किया गया तो समाज का कमजोर वर्ग उसके समक्ष बाधा उत्पन्न करेगा बेंथम के द्वारा अपने राजनीतिक विचार के प्रतिपादन में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत और अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का खंडन किया गया सामाजिक समझौता सिद्धांत यह स्वीकार करता है कि राज्य मनुष्य के द्वारा किए गए समझौते का परिणाम है हॉप्स लॉक और रूसो के इस मत का बेंथम के द्वारा खंडन किया गया बेंथम के द्वारा इसके खंडन के दो आयाम हैं पहला प्रत्येक समझौते में एक शर्त होती है और शर्त का पालन न करने पर यह समझौता अपने आप ही समाप्त हो जाता है अगर कभी यह समझौता हुआ भी है तो आने वाली पीढ़ियां उसको मानने को बाध्य नहीं होंगी सामाजिक समझौते का कोई ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त नहीं होता बिन्थम के अनुसार सामाजिक समझौता का विचार अर्थहीन है लॉक के द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का भी बिन्थम के द्वारा खंडन किया गया इनका मत है कि अधिकार राज्य की मान्यता के बिना संभव नहीं है इसलिए प्राकृतिक अधिकार का विचार निरा मूर्खतापूर्ण एक बकवास मात्र है क्योंकि यदि अधिकार के पीछे राज्य की सत्ता नहीं होगी तब वह अधिकार बाध्यकारी नहीं होगा और ऐसे अधिकार का उल्लंघन शक्तिशाली व्यक्ति के द्वारा किया जाता रहेगा बेंथम के अनुसार राज्य एक विधि निर्माता निकाय है ऐसे में जनता के साथ इसका संबंध है कानून के द्वारा स्थापित हो सकता है ऐसे में संप्रभु की इच्छा ही कानून के रूप में प्रकट होती है बेंथम का यह विचार हॉप्स के समान है बेंथम ने कहा है कि कानून एक राजनीतिक समाज के आदेशों के रूप में संप्रभु की इच्छा की अभिव्यक्ति है जिसका सदस्य स्वाभाविक रूप में पालन करते हैं बेंथम के द्वारा इसी आधार पर कहा गया कि स्वतंत्रता सुख का कोई तत्व नहीं है इसलिए इसे सुख के सामने समर्पण कर देना चाहिए मनुष्य को सुरक्षा की आवश्यकता है स्वतंत्रता की नहीं यहाँ स्पष्ट है कि जॉन लॉक मॉन्टेस्क्यू रूसो और अन्य राजनीतिक चिंतकों के द्वारा जिस व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व प्रदान किया गया था बेंथम के द्वारा उसे कोई महत्व नहीं दिया गया और कहा गया कि प्रत्येक कानून की एकमात्र कसौटी उसकी उपयोगिता है बेंथम के द्वारा हॉब्स के समान ही वैधानिक संप्रभुता के विचार का समर्थन किया गया और कहा गया कि संप्रभुता सर्वोच्च अधेय अविभाज्य निरंकुश है और यह राज्य के अतिरिक्त किसी अन्य संगठन के पास नहीं पाई जाती फिलहाल आज के ऑडियो लेक्चर में बस इतना ही अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम